हेलो बच्चों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए, अब हमारा जो अगला टॉपिक हमारे पास है क्वेश्चन का कि कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, ठीक है, एक इंटरवल में कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूअस होगा कि नहीं फंक्शन कोई, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ अपने दिमाग में बैठाए जाए हम लोग कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल चेक करने का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट पर ब्रेक करता है उस पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट पर, मतलब वन से छोटे या बड़ा बराबर पर x प्लस फाइव है, वन से बड़े पर x की वैल्यू की fx की वैल्यू कितनी है x माइनस फाइव है। तो वन से बड़े x की वैल्यू अगर x माइनस फाइव है तो वन से बड़ा कोई पॉइंट अगर टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो या वन से छोटा वैल्यू कोई हो, जीरो हो, वन हो, टू, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो इसमें क्या चीज रूल फॉलो करता है ये सीखना हम लोग को। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज, कि जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक करता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक करता है उसके अलावा हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या बात दिमाग में बैठा रखनी है, जिस पॉइंट पर फंक्शन को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं उस पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा एट x इक्वल टू टू डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी, तो आपका आंसर आएगा बस एक लाइन का, इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बस एक लाइन का आपका जवाब होगा कि ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन ब्रेक किया है वन पे, मैंने आपसे पूछा है कॉन्टिन्यूटी किस पर, एट टू पर, सेम वही चीज। एक क्वेश्चन अब मैं राइज करता हूं, मान लीजिए मैंने कहा एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी, फिर फटाक से आपका आंसर होगा एक लाइन का, इट इज कॉन्टिन्यूस, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, कुछ और खास नहीं है, क्या करना है, कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होंगी कि हम लोग को कॉन्टिन्यूटी जो चेक करनी है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक करता है बस उसी पर चेक करनी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा इन एन इंटरवल का जो क्वेश्चन है इसमें आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्या चीज होने वाला है। तो जब भी हम लोग को जिस पॉइंट पर ब्रेक करेगा अगर उस पॉइंट पर चेक कर ले हम लोग, जैसे एट एक्स इक्वल टू वन पर इस क्वेश्चन को चेक करें, एट एक्स इक्वल टू वन पर इसकी कॉन्टिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमको निकालना होगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पे छोटा सा माइनस एक्स प्लस फाइव विच इज सिक्स, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पे छोटा सा प्लस, फिर क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस फाइव विच इज माइनस फोर, एफ वन की वैल्यू निकालने कितनी आएगी सिक्स, देखिए तीनों इक्वल नहीं आए तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस या इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट वन, बस ये लिख देना आपको, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, अगर उस पर कंटिन्यूअस होता है तो ओवरऑल पूरे लिमिट में कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज उस पॉइंट को छोड़कर हमेशा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मैंने ये दो क्वेश्चन आपको अराइज करके बता दिया आपको, ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखा जाए, कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अब इसको सीखा जाए। Properties of continuous functions, हम लोग का अगला टॉपिक क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम लोग को समझना है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर दुनिया का कोई भी दो फंक्शन मैं उठाता हूँ, दुनिया का कोई भी दो फंक्शन उठाता हूँ मैं, दोनों को मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन मैंने कह दिया आपसे पहले ही कि दोनों के दोनों फंक्शन जो है हमारे इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूस है, इंडिविजुअल क्या है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है। देखिए मैंने लेट किया, लेट एफ एंड जी बी टू
कॉन्टिन्यूस फंक्शन मैंने लेट किया, एफ और जी दो फंक्शन हमारे। अच्छा आप कहेंगे अब एक्स नहीं है, तो एक्स कुछ नहीं होता, फंक्शन का सिंबल खाली अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में। एफ और जी ब्रैकेट में एक्स का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड में एक्स वेरिएबल चल रहा है, ठीक है, तो ये दिमाग बैठा रहेगा, इसलिए खाली एफ और जी फंक्शन का सिंबल हम लोग बनाते हैं। क्योंकि हो सकता है वाई के टर्म में कोई बोल दे, कोई जेड के टर्म में बोल दे, कोई टी के टर्म में बोल दे, कोई थीटा के टर्म में बोल दे, सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका सब एक ही चीज है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया क्या, एफ एंड जी हमने दो फंक्शन सपोज कर लिया। अब अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है, और बोल दिया कि इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू पी, किसी पॉइंट पी पर क्या है ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो एक चीज अपने दिमाग बैठा लीजिएगा, अब इन दो फंक्शन के साथ कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है मेरे पास, चार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों में से कुछ भी करेंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी पर कोई भी फर्क पड़ने वाली नहीं है। दिमाग बैठिएगा, फिर से बात ध्यान से समझिएगा, अगर दो इंडिविजुअल फंक्शन मैंने लिया जिन दोनों को मैंने बोला आपसे कि वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स की वैल्यू मैंने ली है पी पर, तो अगर उन दो पर्टिकुलर फंक्शंस को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उनके कॉन्टिन्यूटी पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। फिर वही चीज, अब अगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया, पांच चीजें आ गई, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस डिवीजन में एक छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है वो थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, मैंने ये सपोज कर लिया है कि दो फंक्शन है पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कॉन्टिन्यूस है, तो पहला स्टेटमेंट, पहला जो होगा, पहले का ए प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पी, किसी स्केलर, अल्फा हेयर इज, अल्फा इज स्केलर, स्केलर है क्या भाई, स्केलर है, ठीक है। बी सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, अगर दो पर्टिकुलर फंक्शन एफ और जी मैंने जो लिया हुआ है इन दोनों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर दें, तो एफ प्लस जी बनेगा, एफ प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पी। सी, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पी। डी, एफ इंटू जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पी। F upon G is continuous at x equals to p, given that, ये होना चाहिए, given that G at p की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि अगर G x की वैल्यू p पुट करने पे ये वैल्यू अगर जीरो जाती है, डिनोमिनेटर का टर्म जीरो हो जाता है, तो फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम एक केस, अगर G by F अगर बोलते तो इट इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पी एज गिवेन एफ एट पी मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि अगर नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है, बात समझिएगा। फिर से आपके दिमाग में बैठाइए, दोनों दिमाग में फिर से थ्योरम बैठाया जाए, अगर दो इंडिविजुअल फंक्शन मैंने लिया, दो फंक्शन को मैंने कॉन्टिन्यूस लिया किसी एक्स की एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, तो उन दो फंक्शन को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उनकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो भी उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आइए अब सेकंड थ्योरम पर आते हैं इसके, आप चलिए अब देखिए, अब अगला हमसे किसी ने क्वेश्चन अराइज किया कि जो आपके, जो आपने बताया कि अल्जेब्रिक ऑपरेशंस में जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस है भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे, तो दो फंक्शन को अगर आपस में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनका जो कॉन्टिन्यूटी वाला जो फंक्शन, जो रिजल्टेड फंक्शन मिलेगा उसका डोमेन क्या होगा, इसके बारे में हमको बताइए। तो इसके बारे में जानने के लिए आइए हम लोग सपोज करते हैं इस वाले फंक्शन का डोमेन जो है वो डी1 है, इस वाले का सपोज करते हैं d1 क्या, आप इसको df सपोज कर लीजिए, उसको आप सपोज कर लीजिए कितना dg, ज़्यादा क्लियर रहेगा कि डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब
इनके डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम लोग ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन फंक्शंस को, तब इनके डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखा जाए। चलिए टू पर आते हैं, ए हो गया हमारा। ए देखिएगा क्या, अगर हम लोग ए इंटू एफ निकालेंगे तो इसका जो डोमेन होगा आप देखिएगा एफ है खाली, ए अल्फा है, अल्फा क्या है स्केलर, स्केलर कोई फंक्शन में डिफेंड करेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ। अगर अल्फा जी निकालेंगे तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा मेरा, डोमेन विल बी डी जी। ठीक है, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डी एफ और डी जी दोनों के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी फिर क्या हो जाएंगे, डोमेन्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एफ प्लस जी निकालूं, एफ माइनस जी निकालूं, एफ इंटू जी निकालूं, तीनों के लिए डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी हो जाएगा, जिसमें ये फंक्शन क्या होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे। उसका डोमेन कितना होगा, दोनों के डोमेन का क्या इंटरसेक्शन। अच्छा एक्चुअली आप जानते होंगे कि दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन निकालते हैं तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी या डी जी इंटरसेक्शन डी एफ, बात एक ही चीज होता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, सी पार्ट जो हम लोग एफ बाई जी निकालेंगे तो इसका भी डोमेन तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी तो होगा, बट पॉइंट वेयर जी इज जीरो मस्ट एग्जम्प्ट। क्या करना चाहिए उनको, एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, एग्जम्प्टेड। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला अगर टर्म जीरो वाले को इंक्लूड करते जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड होने लगेगा। तो इसको आप बेसिक रूप से दिमाग में याद करिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, तो जब 11th में आपको पढ़ाया गया होगा डोमेन और रेंज, तो आपको सिखाया गया होगा जब फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर टर्म को जीरो नहीं होना चाहिए, सेम वही, इसीलिए जहां पर जीरो होगा उसको हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दो बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो आइए अब तीसरे थ्योरम पर आते हैं जल्दी से हम लोग। अगला थ्योरम क्या होता है, देखिए दो थ्योरम आपके दिमाग में बैठ गया है, इन दो थ्योरम में आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा थ्योरम है। बस आपको याद रखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर दो इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनके साथ हम लोग कुछ भी करें, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, हमेशा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही दे जाते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस है उनकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पर होती है, कैसे कैसे होती है, ये हम लोग को समझना है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा के बाद हम लोग आएंगे लॉग के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो समझा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन कौन कौन से कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस के बारे में बात किया जाएगा, मॉडुलस का एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अलजेब्रा में जो बनता है अलजेब्रिक फंक्शन, बस एक ही टाइप ऑफ फंक्शन होता है, दैट इज पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल जो होते हैं, पॉलीनोमियल जो है आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो मैं दो तीन पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पता है क्या बना गया, स्ट्रेट लाइन। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बनाएगा आपको पता है, पैराबोला। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये बनाएगा क्या, ये। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मैंने आपको ग्राफ बता दिया, तीनों के तीनों देखिए अब क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब किसी ने कहा कि कॉन्टिन्यूस है तो उसका इंटरवल बताइए हमको, कहां पे कॉन्टिन्यूस है, तो आपका आंसर होगा इंटरवल का मतलब होता है क्या, यहां पर एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब दुनिया के हर पॉइंट पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है, दुनिया के हर पॉइंट पर क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो इसी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का ये अगला स्टेप क्या होता है, जब पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करते हैं तो रेशनल फंक्शन मिलता है। देखिएगा ध्यान से, जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, देखिएगा मान लीजिए एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, दो पॉलिनोमियल मैंने दिया, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो फंक्शन बनता है इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल फंक्शन। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी पहला लॉ पॉइंट हमने जो पढ़े थे, पहला थ्योरम कि दो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनके साथ एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो हमेशा वो क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलता है। बस हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट को हमको छोड़ना पड़ता है। तो सेम वही चीज रेशनल फंक्शन के बारे में बात करें अगर, तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए जो रेशनल फंक्शन है ये भी क्या आ गया मेरा, कॉन्टिन्यूस ही आ गया। ठीक है, बस क्या लिखेंगे, इन इट्स डोमेन,
कहां पर एक कॉन्टिन्यूस होगा, डोमेन में होगा, ना कि एवरीवेयर होगा। रीजन आपको पता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, तो वो डिनोमिनेटर वाला टर्म कहीं कहीं जीरो हो जाएगा, तो हो सकता है वो फंक्शन अपनी कॉन्टिन्यूटी खो दे। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग बैठ जानी चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, प्रॉपर्टी नंबर सॉरी थ्योरम नंबर क्या 5 पर। देखिएगा, अब अगर कोई फंक्शन f है विच इज कॉन्टिन्यूअस, कोई f फंक्शन में लिया वो कॉन्टिन्यूअस है, अब इसका मैं मॉडुलस अगर ले लूं तो भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर मैं इसका क्या ले लेता हूं, मॉडुलस लेता हूं, तो भी ये क्या होगा मेरा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ये बात दिमाग बैठा रहेगा, क्या लेंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। दूसरा चीज, अब अगर इसका मैं लॉग ले लेता हूं तो भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा अपने डोमेन में। अगर मैं इसका ई का पावर चढ़ा देता हूं तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। ठीक है, बस अपने दिमाग बैठाना है कि अपने डोमेन में वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। डोमेन से बाहर कोई कॉन्टिन्यूटी का जो सिनेरियो है नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा किसके बीच में रहते हैं, डोमेन के बीच में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपके दिमाग बैठ गई होंगी। फिर अगला आता हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जनरली जो हम लोग के पास है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, साइन एंड कॉस, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं लाइक पॉलिनोमियल एवरीवेयर। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स की, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं लेकिन अपने इन इट्स डोमेन। अच्छा भाई, जिनको मर्जी होगी कि भाई हमको इस सब का ग्राफ जानना है कि इस सब का ग्राफ क्या होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ी हुई वीडियो आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में पूरा सबों का ग्राफ आपको बनाया गया, बना के बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कैसे बनता है। सबों को आप चेक कर सकते हैं साइन और कॉस क्यों कॉन्टिन्यूस हो गया, ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं टैन कॉट सेक और कोसेक का क्यों कॉन्टिन्यूटी उसके डोमेन में बोला गया, क्यों एवरीवेयर नहीं बोला गया, इसका रीजन आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पर, 7वें थ्योरम पर। 7वां थ्योरम यह बोलता है कोई फंक्शन f है जो a कॉमा बी से लेकर, या रहने दीजिए डायरेक्ट खाली a कॉमा बी अभी छोड़िए टेंशन देगा, तो आप कोई कॉन्टिन्यूअस है इन डोमेन, कोई पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें यह कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन है उसका कुछ क्या पर्टिकुलर रेंज है। ठीक है, तो जब इसका इनवर्स निकाला जाएगा तो इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में और कहां पर, रेंज में। बस एक चीज हो जाएगा कि जो रेंज होता है वो यहां पे क्या काम करने लगेगा, डोमेन का, और जो डोमेन होगा यहां क्या काम करने लगेगा, रेंज का। जिनको ये बात समझने में थोड़ा सा और अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों डोमेन और रेंज आपस में स्विच कर गए, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं रेफरेंस लेने के लिए कि क्यों हमने ऐसा बोला है। तो बस अपना दिमाग बैठाइए भाई, हम उसको नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, उसका कोई फायदा भी नहीं हमारे लिए। बस आपको जानिए कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका अगर हम लोग इनवर्स भी लेते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले पर आते हैं, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 जो हमारे पास बोलता है वो बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन f और g दो हैं, f एंड g आर टू फंक्शंस, इन दो फंक्शन को अगर हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंपोजिशन, क्या निकालते हैं, कंपोजिशन। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, दोनों दोनों मैंने क्या लिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस लिया हुआ है। क्या निकलता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब आपको पता है क्या चीजें निकलती हैं, एफ ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी, इसमें से कुछ भी निकलता है तो ये भी क्या होता है मेरा, कॉन्टिन्यूअस ही होता है, ये भी क्या होता है मेरा, कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो ये बात दिमाग बैठा रहिएगा। तो थ्योरम्स थे आपके पास 8 थ्योरम, 8 थ्योरम कॉन्टिन्यूटी के बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को थ्योरम्स के नाम से मैंने बताया तो ये, ताकि आपके पास एक्सटेंशन करने में दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये अपने दिमाग बैठा रहेगा। ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब क्या कहाँ पर है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग बैठा रहिएगा। बाकी जो भी
चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे अब डिफरेंशिएबिलिटी पर, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारा खत्म हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी पर हम लोग अब मूव करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन कोई भी जो आपको प्रॉब्लम लगता है, मैंने सब टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग करवा दिए हैं, ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन लगभग करवाए हैं, जो NCERT एग्जाम्पलर SAT के भी क्वेश्चन उसने कलेक्ट किया हुआ था, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है जो आप वीडियो प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हैं। बाकी आगे का जो है डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन में चलेंगे, तो हम लोग कैलकुलस का मेन पोर्शन हम लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलस हम लोग का मूव कर चुका है। ठीक है, तो इसी दिमाग में बैठे रहे, तो फिर चैनल को अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।